साइन अक्स, कोस अक्स और टेन अक्स आर इन ए जीपी देन, बेटा जीपी का मतलब हुआ है कि जो गिवन है आपके पास है, साइन अक्स, कोस अक्स और टेन अक्स, अगर ये जीपी में है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब होता है बेटा बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर होता है, बीच वाले का अक्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है टेन अक्स गुणा साइन अक्स, बीच वाले का स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है जीपी में, अगर कोई थ्री टर्म्स हो तो, जीपी में अगर कोई तीन टर्म हो तो बीच वाली टर्म लास्ट साइड वाली टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। बेटा यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये कोस अक्स हुआ, टेन अक्स को हम लिख सकते हैं साइन अक्स अपॉन कोस अक्स, और यहाँ साइन अक्स पहले से ही है, कोस अक्स को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, कोस क्यूब अक्स इक्वल्स टू साइन अक्स। और ये कोस क्यूब अक्स वाली जो बातें हैं ना, मेरे तो सेट हो रही है, आपके हो रही है या नहीं, ये जो हमें चीज़ मिली है ना भाई, ये चीज़ कोई भूतिया चीज़ तो है नहीं, है ना, कोई भूतिया चीज़ तो है नहीं, यहाँ तक शायद आपके कोई दिक्कत ना हो। यहाँ साइन स्क्वायर है भाई, यहाँ आपका साइन स्क्वायर है, तो अब इस चीज़ को किस तरीके से चेंज करेंगे हम, इस चीज़ को यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस क्यूब एक्स की पावर 3 प्लस कोस क्यूब एक्स का स्क्वायर प्लस, इसको ऐसा कैसा रहने दीजिएगा, या फिर आपके कोई दुख दर्द हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कोस क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ है ये। हाँ जी सर, सोचने वाली बात मैं आपको बताता हूँ, सोचने वाली बात यह है कि इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इसके जगह मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर अक्स और इसकी पावर 3 है, इसकी जगह में मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर अक्स की पावर 2 है ना, प्लस अगर प्लस ना करके मैं थोड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं कर लेते, 3 इसकी जगह में क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर अक्स इंटू कोस स्क्वायर अक्स माइनस 1, यहाँ है। हाँ जी, अब थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, सर क्या दिखाओगे आप, मैं बोलता हूँ वही तो दिखाना है, यहाँ आपको नज़र आया होगा सॉरी साइन की पावर 6 अक्स, यहाँ आपको नज़र आया होगा साइन की पावर 4 अक्स, और इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अक्स इंटू कोस स्क्वायर अक्स। हाँ जी, हमने क्या देखा है, नोट कल की क्लास में हमने इस चीज़ को थोड़ा बहुत पढ़ा था भाई, कि अगर ये आ जाए तो जो हमारी आइडेंटिटीज थी उसको डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। नहीं देखा है आपने तो पेज को पलटिए और देखिए जल्दी से, कमेंट कीजिएगा भाई। मैंने आपको कल बोला था कि अगर स्क्वायर लगाना है आपको तो ऐसे दिखा सकते हो आप साइन 2, सॉरी साइन 2 मैं समझ जाऊँगा, अगर क्यूब लगाना हो तो आप साइन 3 लिख सकते हो या फिर 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ जाऊँगा। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों रिप्लाई आ रहे हैं, मोनिका, कृष्णा, शाबाश शाबाश, हाँ जी विनय, भूपी क्या हाल है भाई, भूपेंद्र सिंह चौहान याद हो आप मुझे, हाँ जी इन्होंने सबने आंसर किया है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने ये बोला है कि सर इसकी जगह आप लिख दीजिएगा साइन की पावर 6 एक्स प्लस कोस की पावर 6 एक्स, यही होता है भाई इसकी जगह। हाँ जी, तो अब आप यहाँ से देखिएगा, है ना, मेरी तरफ से सोचिएगा, ये कट गया, ओके आपके पास इधर तो बचा है कि सर साइन की पावर 4 एक्स है,
फिर यहाँ बचा आपके पास, यहाँ कॉस की पावर 6x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हुआ, 0। बेटा आंसर लाना कोई बड़ी भारी बात नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी बातें सीखना, मैंने बोला था कि कल ये जो आइडेंटिटीज है भाई, ये जो आइडेंटिटीज है हमारी, है ना, ये वाली देखो, आप गौर से देखो इस आइडेंटिटीज को, ये देखो देखो भाई, हाँ मैंने बोला है कि ये जो आइडेंटिटीज हमने लिखी है 7 आइडेंटिटीज, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपके क्वेश्चंस को इतनी स्पीड से सोल्व करती हैं कि आप कैलकुलेशन करके ऐसा नहीं कर सकते।